वेलकम गाइस टू योर ओन चैनल अभ्यास भूमि। तो गाइस आज हम लोग बच्चा एक समस्या समाधक तथा एक वैज्ञानिक अन्वेषक के रूप में यानी चाइल्ड एज अ प्रॉब्लम सॉल्वर एंड अ साइंटिफिक इन्वेस्टिगेटर के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को सॉल्व करने जा रहे हैं। उससे पहले गाइस अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर दीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशंस आप तक सबसे पहले पहुँच सकें। तो चलिए गाइस शुरू करते हैं आज की क्लास को। आज का पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, कोई बच्चा अपने द्वारा निश्चित की गई सर्वोत्तम विधि का प्रयोग करता है। गाइस एक बार क्वेश्चन समझ लेते हैं। कोई छोटा बच्चा है, उसने जब उसे कोई प्रॉब्लम आ रही है या कुछ भी है तो वो अपने द्वारा निश्चित की गई सर्वोत्तम विधि, जो सबसे मेन टेक्निक है उसकी, जो उसे अच्छी लगती है, उसे अप्लाई करता है। तो कहाँ पर करेगा गाइस? ऑप्शन नंबर वन, समस्या समाधान के लिए। ऑप्शन नंबर टू, स्कूल छोड़कर भाग जाने के लिए। नेगेटिव आंसर है गाइस, आप इसे रिमूव कर देंगे अपने आप से ही। ऑप्शन नंबर थ्री, एक पक्षीय चिंतन के लिए। तो जब हम बच्चे का विकास चाहते हैं तो हम चौमुखी विकास चाहते हैं, तो एक पक्षीय चिंतन कैसे सही हो सकता है? ऑप्शन नंबर फोर, उपरोक्त सभी। तो गाइस जब दो नेगेटिव हो चुके हैं तो उपरोक्त सभी तो ऑब्वियसली बात है बनता ही नहीं है, यानी ऑप्शन नंबर वन इज़ द राइट आंसर। कोई बच्चा अपने द्वारा निश्चित की गई सर्वोत्तम विधि का प्रयोग कब करेगा? समस्या समाधान के लिए। ऑप्शन नंबर वन इज द राइट आंसर। इसी के साथ आगे बढ़ते हुए गाइस अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, चिंतन तथा तर्क का उद्देश्य है। क्या लगता है गाइस? ऑप्शन नंबर वन, समस्या को जटिल बनाना, मतलब आप किसी चीज़ के लिए अगर सोच रहे हैं, उसके लिए आर्ग्यू कर रहे हैं या फिर थॉट प्रोसेस आपकी कंटिन्यू चल रही है इसलिए ताकि आप उस समस्या को और जटिल बना सकें, या फिर ऑप्शन नंबर टू, संवेग को समाप्त करने के लिए, इमोशन ही खत्म कर देने, ये सही है। ऑप्शन नंबर थ्री, समस्या का समाधान करना, या फिर ऑप्शन नंबर फोर, संज्ञान का अंत करना। क्या लगता है गाइज? जी हाँ, किसी भी, कभी भी हम चिंतन करते हैं किस लिए करते हैं? ताकि समस्या का समाधान कर सकें, यानी ऑप्शन नंबर थ्री इज द राइट आंसर। इसी के साथ गाइज आगे बढ़ते हुए अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, समस्या समाधान वह प्रतिमान है जिसमें तार्किक चिंतन निहित होता है, निम्न में से यह कथन किसका है? गाइस मैंने आपको पहले भी बताया है, जब स्टेटमेंट की बात आती है तो मनोवैज्ञानिक का नाम आप आराम से याद कर लीजिए। क्यों? क्योंकि ये आपको सीधे सीधे एग्जाम में मार्क्स दिलवाने में हेल्पफुल होता है, ठीक है? ऐसे क्वेश्चन आते हैं गाइस पेपर में। ऑप्शन नंबर वन, स्टेनली। ऑप्शन नंबर टू, स्किनर। ऑप्शन नंबर थ्री, प्याजे। या फिर ऑप्शन नंबर फोर, पावलोव। क्या लगता है गाइस आपको, आप कौन से ऑप्शन के साथ जा रहे हैं? अगर आप गाइस ऑप्शन नंबर वन के साथ जा रहे हैं तो आप बिल्कुल सही हैं, स्टेनले ने ये स्टेटमेंट कहा था गाइस, ठीक है? इसी के साथ आगे बढ़ते हुए गाइस अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, एक बालक द्वारा किसी समस्या का समाधान करने के लिए निम्न में से कौन सा गुण होना आवश्यक है? क्या लगता है गाइस आपको? ऑप्शन नंबर ए, भाषा विकास। ऑप्शन नंबर टू, स्वावलंबी। या फिर सी, बार बार प्रयास करने की आदत। तो जब समस्या का समाधान करने की बात आ रही है गाइस, तो क्या लगता है आपको सबसे मेन गुण कौन सा हो सकता है, ए बी और सी? तो गाइस मेरे हिसाब से तो सारे के सारे हैं, आपको क्या लगता है गाइस? जी हाँ, अगर आपको भी ये लग रहा है तो आप भी बिल्कुल सही हैं। क्वेश्चन नंबर फोर का आंसर जो है वो ऑप्शन नंबर फोर ही है, ये सभी। इसी के साथ आगे बढ़ते हुए गाइस अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, किसी समस्या के संभावित समाधानों का परीक्षण कहाँ किया जाता है? तो जब अगर कोई समस्या पड़ गई है गाइस, तो आपको लग रहा है कि इसको सॉल्व करना है, तो उसके लिए आप क्या लोकेशन ढूंढेंगे? अगर कोई प्रॉब्लम आई है तो उसके लिए स्पेसिफाइड लोकेशन ढूंढेंगे? चलिए देखते हैं ऑप्शन क्या दिया है। ऑप्शन नंबर वन, प्रयोगशाला में। ऑप्शन नंबर टू, कहीं पर भी। ऑप्शन नंबर थ्री, विद्यालय पर। या फिर ऑप्शन नंबर फोर, घर पर। तो क्या लगता है गाइस आपको, जब आपको कोई परेशानी आएगी, कोई परीक्षण है, तो उसका समाधान आप कहाँ करेंगे? ऑब्वियसली बात है गाइस, कहीं पर भी बैठ कर लेंगे, क्योंकि आपको क्या चाहिए? समाधान। तो यानी ऑप्शन नंबर टू इज द राइट आंसर। इसी के साथ आगे बढ़ते हुए गाइस अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, आपकी कक्षा का एक बच्चा, ठीक है, कोई कक्षा है गाइस, उसमें एक बच्चा है, ठीक है, किसी समस्या को समझने का प्रयास कर रहा है। अब वो बच्चा ट्राई कर रहा है किसी प्रॉब्लम को समझने का, ठीक है, आप उस बच्चे के विषय में क्या कहेंगे? तो अब उस बच्चे के बारे में आपको क्या लगता है गाइस? ऑप्शन नंबर वन, बच्चा सामान्य सोच वाला है। ऑप्शन नंबर टू,
बच्चे की बुद्धि लब्धि यानी आईक्यू 70 से कम है, ऐसा कैसे हो सकता है गाइस। ऑप्शन नंबर 3, बच्चे में वैज्ञानिक सोच का विकास हो रहा है। या ऑप्शन नंबर 4, बच्चे का मन पढ़ाई में ना लगकर इधर उधर की बातों में लग रहा है या फिर लगा रहता है। क्या लगता है गाइस आपको? जी हाँ, अगर आप ऑप्शन नंबर 3 के साथ जा रहे हैं तो आप बिल्कुल सही हैं। बच्चे में वैज्ञानिक सोच का गाइस विकास हो रहा है, जो साइंटिफिक इन्वेस्टिगेटर बच्चे को हमें बनाना है ना, वही पॉइंट ये हो रहा है। ठीक है गाइस, इसी के साथ आगे बढ़ते हुए अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। एक बच्चा अपने खिलौनों को तोड़कर उन्हें पुनः नए तरीके से जोड़कर, पहले तोड़ दिया फिर नए तरीके से जोड़ दिया, कई प्रकार की वस्तुएं बना लेता है। ठीक है, एक बच्चा है जो खिलौनों को तोड़ता है फिर नए नए तरीकों से जोड़कर नई नई वस्तुएं बनाता रहता है। इस बालक के संदर्भ में आपके क्या राय है? क्या लगता है गाइस आपको? ऑप्शन नंबर 1, उसे ऐसा करने से रोका जाना चाहिए ताकि उसका ध्यान पढ़ाई में लगे। तो ये सही है गाइस? मेरे हिसाब से तो नहीं। फिर भी आगे देखते हैं। ऑप्शन नंबर 2, बच्चे में वैज्ञानिक अन्वेषण के गुण हैं और इसमें विकास के लिए उसे प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। गाइस ये सही है? या फिर ऑप्शन नंबर 3, बच्चे की शिकायत उसके अभिभावकों से करनी चाहिए ताकि वे उसे खिलौने ना दें। या फिर ऑप्शन नंबर 4, बच्चे की शिकायत प्रिंसिपल से की जानी चाहिए कि वह खेलता रहता है। क्या लगता है गाइस आपको? तो जहाँ पे भी गाइस बच्चे को प्रोत्साहन की बात आती है सामने, तो हमेशा उसे प्रोत्साहित ही किया जाना चाहिए, खासतौर पर उन कामों के लिए जो उसके विचारों को एक नई दिशा दे सकें। यानी ऑप्शन नंबर 2 इज़ द राइट आंसर। ठीक है गाइस, इसी के साथ आगे बढ़ते हुए अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर। एक बच्चा माचिस के खाली डिब्बों से कई प्रकार की वस्तुएं बनाकर खेलता है, उस बच्चे के संदर्भ में आपकी क्या राय है? क्या लगता है गाइस? पहले जैसा यह क्वेश्चन, ऑप्शन नंबर 1, उसमें वैज्ञानिक अन्वेषण के गुणों का विकास हो रहा है। ऑप्शन नंबर 2, वह पढ़ने से कतराता है एवं खेलते रहता है। या फिर ऑप्शन नंबर 3, उसके माता पिता उसकी पढ़ाई पर ध्यान नहीं देते। या फिर ऑप्शन नंबर 4, उसे खेल से दूर कर पढ़ाई में लगाने की आवश्यकता है। क्या लगता है गाइज आपको? अगर आप ऑप्शन नंबर 1 के साथ जा रहे हैं गाइज, तो यकीन मानिए आप बिल्कुल सही हैं। उसमें वैज्ञानिक अन्वेषण के गुणों का विकास हो रहा है। ठीक है गाइज, इसी के साथ आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। बालक में वैज्ञानिक अन्वेषक के गुणों का विकास क्यों किया जाना चाहिए? क्या लगता है गाइज आपको? ऑप्शन नंबर 1, उसे खेलों से दूर करने के लिए। ऑप्शन नंबर 2, उसमें वैज्ञानिक स्वभाव विकसित करने के लिए। वैज्ञानिकों का एक खास स्वभाव होता है गाइस, उनमें जिज्ञासा बहुत होती है। ठीक है, अगर आप किसी भी साइंटिस्ट के बारे में पढ़ेंगे तो उसमें एक खास चीज़ ये पाएंगे कि उन लोगों में जिज्ञासा बहुत रहती है हर चीज़ को जान लेने की। जिस भी विषय पे वो खोज करते हैं उनकी जिज्ञासा हमेशा बढ़ती ही चली जाती है। ठीक है, या फिर ऑप्शन नंबर 3, उसे पढ़ाई में व्यस्त रखने के लिए। या फिर ऑप्शन नंबर 4, उसे शरारत करने से रोकने के लिए। तो जाहिर सी बात है गाइस, हमें सकारात्मक आंसर ढूंढना है। तो क्या है सकारात्मक आंसर? बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर 2, उसमें वैज्ञानिक स्वभाव विकसित करने के लिए, यानी उसमें जिज्ञासा जागे। ठीक है गाइस, इसके साथ आगे बढ़ते हुए अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर। जब कोई बच्चा अपनी समस्या का समाधान स्वयं करने लगता है तो उसमें निम्न में से कौन सा गुण विकसित हो जाता है? ऑप्शन नंबर 1, वैज्ञानिक अन्वेषक का। ऑप्शन नंबर 2, प्रतिशोध का। ऑप्शन नंबर 3, ईर्ष्या का। या फिर ऑप्शन नंबर 4, समस्या का। तो जाहिर सी बात है गाइस कि समस्या अपने आप से स्वयं से समाधान कर रहा है बच्चा, उसमें जिज्ञासा हो रही है, प्रॉब्लम हो रही है कि कैसे मैं इसे सॉल्व करूं, चिंतन करने लग रहा है बालक, तो ऑब्वियस सी बात है वैज्ञानिक अन्वेषक का, यानी ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। इसी के साथ आगे बढ़ते हुए अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर। बच्चों में वैज्ञानिक सोच का विकास करने के लिए आवश्यक घटक है। क्या लगता है गाइस आपको? ऑप्शन नंबर 1, बच्चों के समक्ष छोटी छोटी समस्या रखी जाएं। ये तो सही है, छोटी छोटी परेशानियां उनके सामने रख दो, बच्चा सॉल्व कर पाता है या नहीं कर पाता ये उसकी सोच पर निर्भर है। ठीक है, और अगर नहीं कर पा रहा है, कर पा रहा है तो बहुत अच्छी बात है, और अगर नहीं कर पा रहा है तो आप उसकी हेल्प कर सकते हैं एज अ टीचर। बी, बच्चों के द्वारा किए गए संभावित समाधानों का परीक्षण किया जाए। बिल्कुल सही बात है, जो भी बच्चे ने परीक्षण किया है जो भी उसके संभावित समाधान है उनका परीक्षण हमें करना चाहिए। या फिर सी, बच्चों को संभावित समाधानों के निर्माण हेतु प्रेरित किया जाए। तो ये तो मैं पहले ही कह चुकी हूँ ना कि गाइस पॉसिबिलिटी इस चीज़ की भी है कि बच्चे ने
क्या करना है और कैसे करना है, इस चीज़ को हम भी प्रमोट कर सकते हैं उसकी हेल्प करके। तो यानी ये सारे ही ऑप्शन सही है, यानी ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर, उपरोक्त सभी। ऑप्शन 1 में गाइस केवल ए है, ऑप्शन 2 में केवल बी है, ऑप्शन 3 में केवल सी है, और ऑप्शन नंबर 4 में सारे हैं। तो यानी ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। ठीक है गाइस, इसी के साथ आगे बढ़ते हुए अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। स्किनर ने समस्या समाधान की वैज्ञानिक विधि को कितने भागों में बांटा है? क्या लगता है गाइस आपको, ऑप्शन नंबर 1 8, ऑप्शन नंबर 2 5, ऑप्शन नंबर 3 6, या फिर ऑप्शन नंबर 4 7? तो गाइस अगर आप जानते हैं कि स्किनर ने समस्या समाधान की वैज्ञानिक विधि को 6 भागों में बांटा है तो आप बिल्कुल सही है, यानी ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। इसी के साथ गाइस आगे बढ़ते हुए अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर। बच्चों के सीखने की प्रक्रिया में इनमें से किसका महत्वपूर्ण योगदान है? क्या लगता है गाइस आपको, ऑप्शन नंबर 1 केवल माता पिता, ऑप्शन नंबर 2 केवल शिक्षक, ऑप्शन नंबर 3 माता पिता एवं शिक्षक, ऑप्शन नंबर 4 केवल मित्र। क्या लगता है गाइस आपको? अगर आप ऑप्शन नंबर 3 के साथ जा रहे हैं तो बिल्कुल सही हैं, क्योंकि माता पिता एवं शिक्षक के दोनों की भूमिका बालक के जीवन में बहुत महत्वपूर्ण होती है। ठीक है गाइस, इसी के साथ आगे बढ़ते हुए अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। शिक्षार्थियों का आत्मनियमन डैश की ओर संकेत करता है, तो आत्मनियमन किस चीज़ की ओर संकेत करेगा गाइस? ऑप्शन नंबर 1 विद्यार्थियों के व्यवहार के लिए विनियम बनाना, ऑप्शन नंबर 2 विद्यार्थी निकाय द्वारा बनाए गए नियम विनियम, या फिर ऑप्शन नंबर 3 स्व अनुशासन और नियंत्रण, या फिर ऑप्शन नंबर 4 अपने सीखने का स्वयं पर्यवेक्षण करने की उनकी योग्यता। तो अगर आपको लग रहा है गाइस ऑप्शन देखते ही कि ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर है, तो आप बिल्कुल सही हैं। शिक्षार्थियों का आत्म नियमन अपने सीखने का स्वयं पर्यवेक्षण करने की उनकी योग्यता की ओर संकेत करता है। ठीक है गाइस, इसी के साथ हम आगे बढ़ते हुए अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर। डैश के द्वारा निपुणता अभिविन्यास को प्रोत्साहित किया जा सकता है, किसके द्वारा गाइस? क्या लगता है? ऑप्शन नंबर 1 शिक्षार्थियों के व्यक्तिगत प्रयासों पर ध्यान केंद्रित करने, ठीक है, प्रयासों पर आपने ध्यान केंद्रित कर दिया, या फिर ऑप्शन नंबर 2 शिक्षार्थियों की सफलता की परस्पर तुलना करने, बिल्कुल गलत बात है, ऑप्शन नंबर 3 गृह कार्य के रूप में बहुत अधिक अभ्यास सामग्री देके, ये तो और गलत बात है, ऑप्शन नंबर 4 अनपेक्षित परीक्षा लेके, ये अनपेक्षित परीक्षा तो कैसे हो सकता है ना ऐसा। तो यानी आप बिल्कुल सही हैं, ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। शिक्षार्थियों के व्यक्तिगत प्रयासों पर ध्यान केंद्रित करने के द्वारा निपुणता अभिविन्यास को प्रोत्साहित किया जा सकता है। ठीक है गाइज, इसी के साथ आगे बढ़ते हुए अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। गाइज अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। हम पढ़ रहे हैं चाइल्ड एज अ प्रॉब्लम सॉल्वर एंड अ साइंटिफिक इन्वेस्टिगेटर। ठीक है गाइज, इसी के साथ अगला क्वेश्चन देखिए। समस्या समाधान प्राय उन विद्यालयों में सफल है जहाँ, कहाँ पे हो सकता है गाइज? ऑप्शन नंबर 1 केवल उच्च स्तरीय शैक्षिक उपलब्धि पर ही बल दिया जाता है, ऑप्शन नंबर 2 अध्यापक केंद्रित शिक्षा शास्त्र प्रभावी है, ऑप्शन नंबर 3 परिवर्तनशील या लचीली पाठ्यचर्या है, या फिर ऑप्शन नंबर 4 कक्षाओं में छात्रों का समूहीकरण उपलब्ध है। तो कहाँ पे हो सकती है गाइस समस्या समाधान के लिए विद्यालय कहाँ पे सफल हो सकती है? ऑब्वियसली बात है गाइस ऑप्शन नंबर 3 यानी परिवर्तनशील या लचीली पाठ्यचर्या है, जहाँ पे भी क्यूरिकुलम फ्लैक्सिबल होगा, जो बच्चों के हिसाब से चल पाए, जिसमें बच्चे अपने आप को कंफर्टेबल महसूस कर पाए, वहीं पे ये चीज़ सफल होगी। ठीक है गाइस, इसी के साथ आगे बढ़ते हुए अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर। व्याख्यान अनुमान और अथवा नियंत्रण प्राक कल्पना डैश के लक्ष्य हैं, क्या लगता है गाइस आपको? ऑप्शन नंबर 1 पारंपरिक तर्कणा, ऑप्शन नंबर 2 आगमनात्मक तर्कणा, ऑप्शन नंबर 3 निगमनात्मक तर्कणा, या फिर ऑप्शन नंबर 4 वैज्ञानिक पद्धति। तो जी हाँ गाइस, अगर आप ऑप्शन नंबर 4 के साथ जा रहे हैं तो आप बिल्कुल सही हैं, क्योंकि व्याख्या अनुमान और अथवा नियंत्रण, अगर आप बात करें कि व्याख्या करी अनुमान लगाया और नियंत्रण कर लिया, या फिर व्याख्या की अनुमान लगाया अथवा नियंत्रण, प्राकल्पना के वैज्ञानिक पद्धति के लक्ष्य हैं। ठीक है गाइस, इतना उम्मीद है आपके समझ में आया होगा। इसी के साथ हम आगे बढ़ते हुए अगला क्वेश्चन गाइस आपके स्क्रीन पर है।
किस प्रकार के एक अध्यापिका बच्चों को बेहतर समस्या समाधानकर्ता बनाने में या बनने में सहायता कर सकती है? क्या लगता है गाइस आपको? ऑप्शन नंबर वन, बच्चों को विविध प्रकार की समस्याओं का समाधान करने के मौके देना तथा उनका हल करते समय सहयोग देना। बिल्कुल गाइस, होना तो ऐसे ही चाहिए, पर एक बार आगे देख लेते हैं, क्या पता कुछ और आगे मिल जाए। ऑप्शन नंबर टू, समस्याओं का समाधान करने के लिए वस्तु रूप में पुरस्कार देना। पुरस्कार देना गाइस अच्छी बात है, पर इसका मतलब ये नहीं कि आप हर जगह पर पुरस्कार देते रहें। ऑप्शन नंबर थ्री, बच्चों को पाठ्यपुस्तक में समस्याओं का उत्तर देखने के लिए प्रोत्साहित करना। ये गलत बात है गाइस, प्रोत्साहित करना अच्छी बात है, पर प्रोत्साहन सही दिशा में होना चाहिए, ठीक है? यानी जो बुक के पीछे ऑलरेडी प्रॉब्लम सॉल्विंग के आंसर दिए रहते हैं, आप सीधा बच्चों को बोलोगे बेटा आप ज़्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है, सीधा आंसर टिक कर दो, तो ये गलत बात है। ऑप्शन नंबर फोर, विद्यार्थियों के सामने प्रस्तुत सभी समस्याओं का सही समाधान उपलब्ध कराना। ये बिल्कुल सही है कि समस्याओं का समाधान उपलब्ध कराओ, पर इसका मतलब कब? जब बच्चा कोशिश करके थक जाए, जब बच्चे से नहीं हो पा रहा है, तब उसको बताओ कि बेटा ये ऐसे होगा। और तब भी उसे सीधे सीधे ऑप्शन जाके नहीं दे देने कि बेटा ये आपके प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है, उसे तरीका बताना है कि किस तरीके से ये सही होगा। यानी लास्ट के तीन तो ओवरऑल ही गलत है, यानी पहला वाला ऑप्शन गाइस बिल्कुल सही है, बच्चों को विविध प्रकार की समस्याओं का समाधान करने के मौके देना तथा उनका हल करते समय सहयोग देना। इसी के साथ गाइस आगे बढ़ते हैं हम, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, विद्यार्थियों को स्वतंत्र रूप से चिंतन करने तथा प्रभावी शिक्षार्थी बनने में सक्षम बनाने हेतु शिक्षक के लिए यह महत्वपूर्ण है। क्या लगता है गाइस, क्या महत्वपूर्ण है? ऑप्शन नंबर वन, विद्यार्थियों को सिखाना कि किस प्रकार से अपने अधिगम का अन्वेक्षण करें। ऑप्शन नंबर टू, विद्यार्थियों के द्वारा प्राप्त की गई प्रत्येक सफलता के लिए उन्हें पुरस्कार देना, ये तो गलत बात है। ऑप्शन नंबर थ्री, छोटी छोटी इकाइयों या खंडों में जानकारी प्रदान करना, ये सही हो सकता है गाइस, ठीक है? या फिर ऑप्शन नंबर फोर, एक संगठित तरीके से जानकारी को प्रस्तुत करना ताकि पुनः स्मरण करने में सरल हो। तो गाइस ये लगता है आपको, स्मरण की बात आ गई ना, तो रट्टाफिकेशन तो हम वैसे भी रिजेक्ट करके चलते हैं। अधिगम का अन्वेक्षण करें तो ये भी ऑप्शन सही नहीं है। विद्यार्थियों के द्वारा प्राप्त की गई सफलता के लिए उन्हें पुरस्कार देना, ठीक है सफलता के लिए पुरस्कार दिया जा सकता है, पर हर टाइम नहीं। तो आपको पहली प्रायोरिटी क्या देनी है कि आप जानकारी दे सक रहे हैं, यानी ऑप्शन नंबर थ्री इज द राइट आंसर, छोटी छोटी इकाइयों या खंडों में जानकारी प्रदान करना। इसी के साथ गाइस अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर, यदि कोई शिक्षिका चाहे कि उसके विद्यार्थी समस्या समाधान कौशल प्राप्त कर लें तो विद्यार्थियों को ऐसे क्रियाकलापों में लगाना चाहिए जिनमें हो। क्या होना चाहिए गाइस? ऑप्शन नंबर वन, प्रत्यास्मरण। ऑप्शन नंबर वन में प्रत्यास्मरण, रटना और समझना है। रिजेक्ट कर सकते हो गाइस आप? हाँ कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। क्यों रिजेक्ट करा हमने पहला ऑप्शन? क्योंकि यहाँ पे रटना जैसी बात आ गई है, तो रट्टाफिकेशन हम एक्सेप्ट नहीं करते, स्पेशली जब हम बच्चों को आगे बढ़ाने के लिए लर्निंग में हेल्प कर रहे हो। ऑप्शन नंबर टू, बहुविकल्पी प्रश्नों वाले स्तरीकृत जिनका लेवल अच्छा है कार्यपत्रक, तो कैसे हो सकता है गाइस ऐसा? ऑप्शन नंबर थ्री, ड्रिल और अभ्यास। अभ्यास ठीक है पर ड्रिल नहीं, ठीक है, पिन पॉइंट पे ले जाके नहीं। ऑप्शन नंबर फोर, पूछना, तर्क करना और निर्णय लेना, तो कैसा है गाइस ये ऑप्शन? जी हाँ बिल्कुल बेहतरीन ऑप्शन है कि बच्चे से पूछा जाए, उसे तर्क करना सिखाया जाए और उसके बाद उसे निर्णय लेने में सहायता दी जाए, ठीक है गाइस? यानी ऑप्शन नंबर फोर इज द राइट आंसर। तो आज के क्लास गाइस यहीं पे समाप्त होती है। थैंक यू फॉर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। जय महादेव।